बिग बॉस 14 एविक्टेड कंटेस्टेंट पवित्रा पूनिया के एक्स हस्बैंड सुमित महेश्वरी ने उठाया उनकी और पवित्रा की शादी से पर्दा। कही शादी को लेकर बड़ी बात, बताया उनके रिश्ते का सच। इजाज के साथ पवित्रा के रिश्ते पर किया कमेंट। आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहा सुमित ने, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। एक्ट्रेस पवित्रा पूनिया ने बिग बॉस सीजन 14 में अपनी एक अलग जगह बना ली है। लंबे समय से इस गेम में टिकी हुई पवित्रा ने अपने गेम से सभी को इम्प्रेस किया, लेकिन पवित्रा का एक दूसरा साइड भी है जो काफी निखर कर सामने आया। पवित्रा का इजाज के साथ एक कनेक्शन देखने को मिला। बिग बॉस के घर में इस जोड़ी को पसंद किया गया। दोनों की खट्टी मिट्टी नोकझोंक सभी को पसंद आई, लेकिन इन बढ़ती नजदीकियों के बीच अब पवित्रा पूनिया के एक्स हस्बैंड सुमित महेश्वरी की एंट्री हुई है। सुमित ने पवित्रा पूनिया पर निशाना साधते हुए उनकी इजाज तक नजदीकियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सुमित ने दावा किया है कि वो पवित्रा से अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन उनकी शादी अभी नहीं टूटी है। उनके मुताबिक अभी तक डिवोर्स नहीं दिया गया है, इसी वजह से सुमित को पवित्रा की इजाज तक वो केमिस्ट्री खल रही है। वो दोनों के बढ़ते प्यार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो मानते हैं कि पवित्रा इजाज का सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डिवोर्स देने के बाद पवित्रा चाहे तो इजाज संग रह सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए जब शादी नहीं टूटी है वो दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते। वहीं सुमित ने ये तक कह दिया कि पवित्रा ने उनका कई बार दिल तोड़ा था। उनकी माने तो जब वो पवित्रा के साथ थे उस समय एक्ट्रेस के कई दूसरे सेलेब संग भी रिलेशन चल रहे थे। उन्होंने इस लिस्ट में पारस चोपड़ा, प्रदीप सहजपाल का नाम लिया है। वो मानते हैं कि पवित्रा का इन सभी के साथ रिलेशन था। ऐसे में सुमित कहते हैं कि उन्हें 4 बार धोखा दिया जा चुका है। तो व्यूवर्स, है ना ये एक शॉकिंग खुलासा। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए टेली मसाला।